मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट में हमारा साइंस और उसमें चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आगे बात करते हैं। तो कि पे मॉडर्न मेथड ऑफ एरेजिंग, एरेजिंग माने कि मॉडर्न मेथड्स क्या है। मॉडर्न मींस कि आज के जमाने में जो भी नई नई शोध होती है उसके हिसाब से हम अपना जो काम है वो आगे करते हैं। तो देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ एरेजिंग हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, दैट मींस मेथड यूज आर मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है कि भाई जो हमारे एरेजिंग की जो प्रोसेस है ना वो एकदम इजीली बना देते हैं। तो कौन सी सिस्टम है, तो भाई अपन फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज अ मोर यूजफुल ऑन अननोन लैंड वाटर फ्रंट, सेफली वाटर इज नॉट अवेलेबल। कि जिस जगह पे पानी नहीं मिलता है उस जगह पे बाहर से कहीं दूर से पानी कैसे लाया जा सकता है, तो उसमें ये चीज यूज होती है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग द रोटिंग नीजल एंड ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइप प्लांट एंड रेगुलर मीटर्स विद द वाटर इज अलाउड द फॉल थ्रू आउट द मेन पाइप अंडर द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ पंप एंड द एग्जिट फ्रॉम द रोटिंग the nozzle and the get the sprinkler on the crop as the running and sprinkler is a very useful for those coffee plantation and several other crops. ये sprinkler system में क्या होता है कि भाई कोई भी जगह हो जहाँ से पानी हमें लाना हो ना, तो वहाँ से लंबी लंबी पाइप्स को खींची जाती है और फिर उससे उसके साथ छोटे छोटे पाइप्स वगैरह लगाए जाते हैं और नीडल्स की मदद से उसमें जो भी जगह से पानी लाना है वहाँ से पानी खींचा जाता है और पाइप के थ्रू वो पानी हमारे फील्ड में पहुंचाया जाता है। पानी फील्ड में पहुंचाने के बाद जो हमने छोटे छोटे पाइप्स वगैरह लगाए हैं उसमें वो पानी आता है, उस पानी की वो पानी हमारे फील्ड में वैसे पहुंच जाता है। यदि स्प्रिंकलर सिस्टम के उस सिस्टम से प्रमाण करेंगे दूर से जगह हो तो वहाँ से वो पानी की जो द्वारा है वो हमारे फील्ड तक हमारी जो जमीन है वहाँ तक आके, और ये जो प्रोसेस है वो यूजफुल है तो कॉफी प्लांट्स और सेवरल अदर ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए वो यूज की जाते हैं। कि जिसको थोड़ा कम पानी मिले तो चल जाता है, बट जो रुई वगैरह की जो कॉटन की खेती की जाती है फिर मूंगफली उसमें पानी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए जैसे सिस्टम होती है जिस जगह पे आप रहते हो उस हिसाब से आपकी क्रॉप प्रोडक्शन होती है और उसी हिसाब से आपको पानी की जो मात्रा है वो डिसाइडेड होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी जगह पर हमने गन्ने की खेती की है तो भाई गन्ने की खेती में क्या है पानी तो चाहिए ही होता है, क्यों गन्ना एक रसीला होता है कि आप उसको खाओ तो आपके मुंह में भी गन्ने का रस, अगर आप अच्छा ज़्यादा पानी डालो तो उस हिसाब से गन्ने की प्रोडक्शन होती। तो भाई आप उसमें कम आप विंटर रेनी सीजन में अगर उसको बो दो तो चलो पानी तो अपने हिसाब से मिल जाता है, बट समर सीजन में आपको गन्ने में पानी बहुत ज़्यादा डालना होता है। एक गर्मी होती है धूप होती है तो धूप से ज़्यादा पानी बाफ बन के हवा में चला जाता है, बट आपको वो पानी जमीन में बहुत ज़्यादा देर तक रहे वैसे सिस्टम कभी होते हैं। ओके, तो इस हिसाब से स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है कि भाई लंबी लंबी पाइप्स वो दूर कहीं पे पानी हो तो वहाँ से भी जो जॉइंट करके फिर छोटी पाइप्स के थ्रू हमारे फील्ड में हमारे खेतों में लाई जाके और उसमें से क्रॉप प्रोडक्शन है वो लिया जाता है। ये है मॉडर्न मेथड ऑफ एरेजिंग हेल्प अस द वाटर इकोनॉमिकली, कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह इजीली और यूजफुल तरीके से कैसे लाया जा सकता है।